गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम सो टुडे इन ईवीएस क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सीजंस क्या होते हैं सीजंस बच्चों सीजन्स जैसे कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी हो रही है कभी बारिश हो रही है ये हमारे सीजंस होते हैं जो हमारे कुछ मंथ पर डिपेंड होते हैं कुछ मंथ के दौरान आते हैं तो देखिए स्प्रिंग कौन कौन से सीजन्स हैं हमारे बच्चों फर्स्ट है हमारा विंटर ंटर सीजन अभी चल रहा था विंटर आ थी जब हम सभी ठंड लग रही थी हम गरम गरम पानी पी रहे थे गरम गरम चाय दूध कॉफ़ी गरम कपड़े पहन रहे थे उसको क्या कहते हैं विंटर विंटर सीजन फिर विंटर के बाद अचानक क्या आ जाता है समर आ जाती है गर्मी लगने लग जाती है सूरज की रोशनी तेज़ धूप तेज होती है रेस तेज़ हो जाती है उसकी ऐसे लगता है जैसे बहुत गर्मी है कुछ ठंडा ठंडा पी लें कुछ ठंडा ठंडा खा लें पंखा चलाएं, फैन ऑन करें आ, फिर उसके बाद क्या आ जाता है मॉनसून, अचानक से बारिश हो जाती है सब कुछ ठंडा 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 और इतना सुंदर मौसम हो जाता है बारिश हो जाती है, लेकिन ये कई बीमारियां भी साथ लाती हैं है ना मॉनसून अगर आ जाता है तो बीमारी आ जाती है काफ़ी मॉस्किटोज़ हो जाते हैं मच्छर हो जाते हैं मॉनसून के बाद आता है ऑटम ऑटम में क्या होता है अभी पत्ते भी झड़ रहे होते हैं और एकदम पेड़ सूख जाते हैं पत्ते झड़ जाते हैं ऑटम सीजन में स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है स्प्रिंग सीज़न में नए नए फूल आते हैं नई नई कलियाँ आती हैं नए नए पत्ते आते हैं तो वो होता है हमारा स्प्रिंग सीज़न तो चलो बच्चों मैंने आपको समर विंटर्स ऑटम मानसून और ये स्प्रिंग सीज़न हमारे फ़ाइव सीजनस होते हैं जो कुछ कुछ मंथ में यानी कि जो हमने मंथ नेम किए हैं उन मंथ्स में आते हैं तो फर्स्ट हमारा जो है सीज़न वो है हमारा विंटर सीज़न विंटर सीज़न में मैंने आपको बताया कि आप गर्मी चाहिए होती है आपको ठंड ज़्यादा लगती है बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है फिर आप क्या करते हैं आग जलाते हैं कैप वुलन स्काफ़ ग्लव्स अपने आप को ढकते हैं गर्म कपड़ों से ताकि आपको ठंड ना लग जाए ये होता है हमारा विंटर सीजन में फिर आता है बच्चों स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बच्चों स्प्रिंग सीजन में नए नए पौधे नई नई कलियाँ नया नया हरे हरे पत्ते नए पत्ते आते हैं कुछ नए फ्रूट्स भी आते हैं वो हमारा स्प्रिंग सीजन में होता है स्प्रिंग सीजन में बटरफ्लाई बीज कुछ आ, पौधों पर आती हैं खेलती है रंग बिरंगे फूल उगते हैं बीज अपने शहद उनमें से शहद लेती हैं है ना और नेक्स्ट हमारा सीज़न आता है समर सीज़न स्प्रिंग के बाद कौन सा विंटर से विंटर आया फिर स्प्रिंग आया अब कौन सा सीज़न आया समर समर में क्या होता है देखो धूप तेज हो गई है बच्चे बीच के पास खेल रहे हैं नहा रहे हैं ठंडे पानी से और ठंडा पानी चाहिए उनको पीने के लिए तो उन्हें उस टाइम गर्मी ज़्यादा हो जाती है समर में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्कूल्स में तो छुट्टियाँ बढ़ जाती हैं फिर आता है मानसून मानसून में किस किस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है रेनकोट की अम्ब्रेला की सभी जगह बारिश हो जाती है कीचड़ कीचड़ हो जाता है काफ़ी मॉस्किटोज हो जाते हैं इतनी इतनी बीमारियाँ हो जाती हैं मलेरिया डेंगू मानसून में ही तो होता है सीज़न में फिर आता है हमारा नेक्स्ट सीज़न ऑटम ऑटम में क्या होता है बच्चों ऑटम में पत्ते झड़ते हैं पेड़ एकदम सूख जाते हैं पत्ते पीले पीले होकर नीचे गिरने लगते हैं और कौन कौन से मंथ में आते हैं चलो ये देखते हैं कौन से सीजन कौन से मंथ में आता है तो सीज़न सबसे पहला विंटर में विंटर है विंटर uh, सीजन कौन से मंथ में आता है नवंबर दिसंबर एंड जनवरी नवंबर दिसंबर एंड जनवरी नेक्स्ट कौन सा सीज़न है स्प्रिंग सीज़न जो हमारा फेबररी एंड मार्च में आता है विंटर सीज़न नवंबर दिसंबर एंड जनवरी स्प्रिंग फेबररी मार्च में एंड समर सीज़न समर अप्रैल मई जून अभी तो बच्चों फिर हम आता हमारा आता है समर सीज़न समर सीज़न में क्या होता है समर सीज़न में हमें ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम्स गर्मी लगती है फैन ऑन कर लेते हैं ए सी ऑन कर लेते हैं है ना बार बार ठंडे ठंडे पानी से नहाने का दिल करता है तो समर सीज़न कौन से मंथ में आता है बच्चों अप्रैल मई, जून अप्रैल मई, जून मॉनसून आता है मॉनसून में क्या होता है मॉनसून में बारिश आती है रेन आती है बारिश कौन से मंथ में आती है जुलाई एंड अगस्त में है ना फिर आता है ऑटम सीजन ऑटम में क्या होता है ऑटम में पत्ते झड़ते हैं और बिल्कुल पेड़ क्या हो जाता है सूख जाता है येलो होकर पत्ते झड़ने लग जाते हैं ऑटम सीजन कौन से मंथ में आता है बच्चों सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर ठीक है सो so, आपको ये वर्क अपनी ई की नोटबुक में करना है नीट एंड क्लीन और जैसे मैंने ये लिखा है ना फर्स्ट हमारा क्या था विंटर सीजन विंटर कौन से सीजन कौन से मंथ में आता है नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फिर फेबरी मार्च में स्प्रिंग समर अप्रैल मई जून में मॉनसून जुलाई अगस्त ऑटम सितंबर अक्टूबर में ओके okay बच्चों बाय टेक केयर हैवी नाइस डे